प्रेम शुक्ला जी, सोचना आपको भी पड़ेगा। मुख्यमंत्री बदला, लाभार्थियों की एक के बाद एक स्कीम, जिसमें ₹5 में आपने भोजन की बात की, जिसमें आपने 2 मुफ्त सिलेंडर एलपीजी की बात की, आपने मुफ्त स्कूटी देने की बात की, आपने 6,000 मछुआरों को देने की बात की। बावजूद इसके आप पिछली बार की भी अपनी परफॉर्मेंस को नहीं दोहरा पाते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी तक के रुझानों के मुताबिक। प्रेम जी, लेकिन पिछली बार का हमारे पास 35 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, हम लगभग उतनी ही सीटें, उससे अधिक सीटें प्राप्त करेंगे, ये हमारा विश्वास है। अब जहां तक बात रही नीड बेस्ड जो है लोगों का, चूंकि हम कल्याणकारी राज्य चलाते हैं, ऐसी हमारी संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो जो लाभार्थी लाभ पाने योग्य लोग हैं उनको हम नीड बेस्ड जो है उनके लिए हम जन कल्याणकारी योजनाएं लाएंगे। ये तो हमने निर्वाचन आयोग को भी यही लिख कर दिया हुआ है, तो हम उसके अनुकूल कार्य कर रहे हैं। लोक कल्याणकारी कार्य करना और खैरात बांटना, इन दोनों में अंतर है, और उस बारीक अंतर को का हमेशा जो है हम पालन करते हैं, और जनता उसके आधार पर हमको जनादेश देती है। 2018 के पहले जिस पार्टी का त्रिपुरा में अस्तित्व नहीं रहा हो, उस पार्टी को त्रिपुरा में ना केवल जो है अच्छी तरह से सत्ता का संचालन करना और वहां पर फिर से जो है जनादेश प्राप्त करना, यह निश्चित रूप हमारी नीतियां कैसी होंगी यह तय करना हमारे नेतृत्व का कार्य है। अब नीतियां हम कैसे लड़ेंगे यह मुझे नहीं लगता है कहीं स्टूडियो में तय हो पाएगा। वहां पर मौजूद थे लेकिन उसके बावजूद बीजेपी का आंकड़ा इतना ज्यादा स्विंग क्यों हो रहा है? अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, क्या अनुपम कोई बड़ी जानकारी है क्या? क्या बीजेपी टीएमपी साथ में आएंगे? क्या त्रिपुरा मोथा ने कोई फैसला लिया है? अनुपम जी, देखिए आधिकारिक तौर पर अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, चुप्पी का माहौल है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि त्रिपुरा मोथा के साथ बीजेपी की बातचीत शुरू हो चुकी है, यहां तक कि लेफ्ट के साथ भी त्रिपुरा मोथा की बातचीत शुरू हो चुकी है। ये दोनों बातें फिलहाल सूत्रों के माध्यम से सामने आ रही है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बनती दिख रही है। मैं इस वक्त मानिक साहा के घर के ठीक सामने हूँ। मानिक साहा थोड़ी देर पहले हमें दिखाई भी दिए थे, वो तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन पहले जो सुनाई दिया कि वो 8:30 बजे सुबह निकलेंगे, एक बार जाएंगे काउंटिंग सेंटर में, लेकिन उसके बाद जैसे धीरे धीरे बीजेपी की जो सीट संख्या है वो कम होनी शुरू हुई, उस दौरान मानिक साहा का निकलने की जो खबर थी वो धीरे धीरे शिथिल पड़ती गई, और अब उसके बाद सुनाई दिया कि 10:30 बजे निकल सकते हैं, लेकिन अभी जो परिस्थिति बन रही है वो ऐसे में अभी मुझे नहीं लगता कि वो निकलेंगे और बातचीत का दौर जारी है। ये त्रिपुरा मोथा से बातचीत कौन कर रहा है? हेमंता विश्व शर्मा कर रहे हैं या मानिक साहा कर रहे हैं, इस बारे में कोई जानकारी मिली है क्या? और नजर यहाँ से ज्यादा अब राजमहल पे होने चाहिए। अब तो जो करे प्रद्योत माणिक्य, मतलब अभी अगर यही रुझान रह जाता, हालांकि अभी भी बहुत, अभी सिर्फ 11:15 हुए हैं, अभी कई राउंड की वोटिंग है, वहां पर भी नजर रखनी जरूरी है। क्या मिजाज दिख रहा है प्रद्योत का? क्या वो बीजेपी के साथ ज्यादा नेचुरल रहेगा उनका अलायंस ऐसी स्थिति? जी देखिए बिल्कुल, प्रद्योत मानिक के भी फिलहाल हमारी, उनके जो बहुत बेहद सहयोगी हैं उनसे बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं कि अभी वो कुछ और सीटों पर नजर रखे हुए हैं, जो पहले से खबर आ रही है, क्योंकि बहुत सारी सीटों पर बहुत कठिन मुकाबला हो रहा है, खासतौर पर मानिक साहा की जो सीट है वहां पर ही बहुत कठिन मुकाबला हो रहा है। ऐसे में वो और 2-2.5 घंटे का वक्त और लेना चाह रहे हैं, और जब पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी तब वो इस बारे में कुछ कहेंगे, ये बात पैलेस से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अभी महत्वपूर्ण हो चुका है पैलेस किस तरह से वो बीजेपी के साथ जाता है या लेफ्ट के साथ जाता है, लेकिन जो नेचुरल अलायंस होगा, और वो ये भी देखना होगा कि लेफ्ट और मोथा मिलके भी क्या सरकार बनाने लायक स्थिति में आ रहे हैं, अल्टीमेटली अगर रिजल्ट जो आता है कि नहीं आता है, अगर वैसा नहीं होता जल्दी से एक बड़ी खबर दे दें, देखिए दर्शक कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए चुनाव आयोग में नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला भी यहां पर निकलकर सामने आया।